हाँ जी हाँ जी, तकनीकी खामियों के कारण आने वाली दिक्कतों के लिए क्षमा। सही बात है, तुमने पहले दूरदर्शन नहीं देखा ना, वो चलते चलते दिन में 3-4 बार क्या होता है, जब 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 आता था, फिर उस पर लिखा हुआ आता था सफ़ेद अक्षर से लिखे हुए, उसके लिए। हाँ हाँ जी, आ जाइए। अपन ड्राइंग की बात कर रहे थे, ड्राइंग के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि जब ड्राइंग कर रहे हो तो फूड प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। सबसे मेन है कि जब भी अपन ड्राइंग की, ये वर्ड लिखा हुआ है ड्राइंग ऑन फूड, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, आपकी केस हार्डनिंग, कि जब आप ड्राइंग करने जा रहे हो किसी फूड प्रोडक्ट की तो आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, केस हार्डनिंग की, ऊपर की सतह क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। हार्ड सरफेस का मतलब कैसी हो जाएगी, इम्पीरियस। इम्पीरियस लेयर का मतलब कि अब अंदर का जो वाटर है वो रिमूव नहीं होगा, तो अंदर तो हमेशा क्या रह जाएगा, आपका सॉफ्टनेस। बीच के अंदर तो क्या रह जाएगा, आपका सॉफ्टनेस, और जो चारों तरह की सतह है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर हार्ड हो चुकी है। तो केस हार्डनिंग का मतलब क्या हो गया, केस बन गया। केस का मतलब अंदर का हिस्सा सॉफ्ट और बाहर का हिस्सा क्या हो गया, हार्ड हो गया। बराबर बात है, जितनी ज़्यादा आप डायरेक्ट हीटिंग दोगे इसको, किसी भी प्रोडक्ट को, तो उस बनाने के अंदर, तो उस टाइम में क्या देखने को मिलेगी, आपको केस हार्डनिंग देखने को मिलेगी। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग क्या होता है, जब भी आप ड्राइंग करोगे, डायरेक्ट हीटिंग दोगे, तो क्या देखने को मिलेगा, आपको केस हार्डनिंग देखने को मिलेगी। अब दूसरे क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, श्रिंकेज हो सकता है। जैसे आपने ब्रेड की बात करी, तो ब्रेड को आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट हीट दे दिया, तो श्रिंक हो गई। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, सीधे डायरेक्ट इफेक्ट है। कब, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब आप ड्राइंग करते हो तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ब्राउनिंग, ब्राउनिंग का मतलब एक एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी होती है, दूसरी क्या होती है, आपकी मिलाड रिएक्शन होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, केमिकल ब्राउनिंग है। अब ध्यान रखना, हीट की वजह से अगर आपको कभी पूछा जाए कि हीट की वजह से ब्राउनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल, सॉरी, हीट ब्राउनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कब है, मिलाड रिएक्शन के केस में। मिलाड रिएक्शन के अंदर हीट का होना जरूरी है। मतलब हीट का मतलब ये भी नहीं कि कोई 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड्स के मतलब है, कुछ ना कुछ अगर टेम्परेचर होगा तो भी क्या हो सकती है, आपकी मिलाड रिएक्शन हो सकती है। जैसे जैसे अगर यहाँ भी हीट बढ़ेगी तो मिलाड रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इन दोनों में से कभी भी आपको चूज करना पड़े, हीट का इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना, हीट का इफेक्ट देखने को मिलता है किसके अंदर, सीधा सीधा आपका मिलाड रिएक्शन के अंदर। तब आपको खुद को मन में मानना पड़ेगा कि एंजाइमेटिक के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, जबकि होता है। क्यों होता है, कि हर एंजाइम के लिए ग्राफ क्या बनता है, अरे ऐसा ही तो ग्राफ बनता है ना, बेल शेप ग्राफ, का मतलब एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ होता है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी एंजाइम एक्टिविटी तो बढ़नी है, तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी तो क्या है, पढ़नी है, बढ़नी है। लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दिक्कतें क्या होती है कि अपन को ऑप्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है, अपने लिए चार ऑप्शन भगवान होता है, समझ रहे हो। वो भगवान अगर सही वाला टिक हो गया तो अपने पार पड़ जाएगी, और गलत वाला टिक हो गया तो आपके गए, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब कि हीट की वजह से आपको बता दिया, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी बढ़ती है। लेकिन रियल में क्या होता है, कि जब टिक करने की बात आती है तो टिक करने में फिर आपको क्या टिक करना पड़ेगा, मिलाड रिएक्शन को टिक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं भाई बुक में, बता देता हूँ, दे भी रखे हैं। तो वहाँ पर आपको टिक क्या करना है, मिलाड रिएक्शन। ड्राइंग के हिसाब से बोल दिया तो सीधा सीधा क्या टिक कर दोगे आप, केस हार्डनिंग। ऐसे करके कुछ पूछा आपने, कहाँ गया, मोस्ट कॉमन इन ड्राइड फूड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, कोई क्या हो सकता है, कोई आपका मिल्क पाउडर हो सकता है, कुछ भी समझ लिया। उस केस में आप क्या टिक करना है, आपको मिलाड रिएक्शन। अब आपको बोलोगी साहब मिल्क पाउडर के लिए है ना, मिल्क पाउडर के लिए आप देखा जाएगा, तो आप केस हार्डनिंग थोड़ी टिक करके आओगे, आप इतना तो दिमाग है ना। अब आपको कोई ब्रेड का या बेकरी का कोई भी पूछ लिया जाए, तो अब इतने पागल तो तुम भी नहीं हो कि तुम जाके वहाँ पर क्या कर दो, मिलाड रिएक्शन कर दो। तो इतना तो होशवास रहेगा ना हमेशा अपने को, है ना, कि भाई हर चीज़ें क्या होता है, परिस्थिति, परिस्थिति क्या, आपका क्वेश्चन, उसी के हिसाब से आपका क्या रहेगा, ऑप्शन टिक होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई ख़त्म अपनी। तो मोस्ट कॉमन ड्राइड फूड के केस में आप क्या बोल दिए, यहाँ पर मिलाड रिएक्शन की बात आपने कर दी है। लो साहब, हाँ जी,
आ जाइए, कैरामलाइजेशन। ये वो नाम है जो एग्जामों में पॉपुलर है, मतलब यूं कह सकते हैं कि अपन ड्राइंग वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, जितना इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए कैरामलाइजेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक तरह के, ये जो नाम लिख रहे हैं ना अपन, ये क्वेश्चन एक तरह से कैरामलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब भी आपका शुगर होता है उसको क्या चाहिए, हीट मिलती है, तो हीट मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कंपाउंड यू मान लो जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैरामल। अपन भी घर में चाशनी को गर्म करते हैं तो नीचे बॉटम में क्या जम जाता है, कैरामल जम जाता है। कब जमा, वो हीट देने से, सही बात है। तो कैरामल, अब एक तो क्या होता है, पानी में आपने शुगर को घोल दिया, अब कहोगे ये कैरामलाइजेशन है, ये कैरामलाइजेशन नहीं है, जब तक आप हीट नहीं दोगे तब तक कैरामलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या समझ में आया, कैरामलाइजेशन बिना हीट के नहीं हो सकता है। मिलार्ड रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हाँ जी, पहली चीज वापस बता देता हूँ, पहला टिक क्या करोगे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे हो बात को, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तीसरा उसके अंदर मॉइस्चर कितनी, भाई 5% पे भी हो सकती है, 10 पे भी हो सकती है, 20 पे भी, लेकिन कम से कम कितना चाहिए उसको, 5% तो चाहिए चाहिए, मिलार्ड रिएक्शन हो सकती है ना। तो पहला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल दिया आपका, मॉइस्चर, ये तीन चीज़ें हैं। और अब आप इसने चौथी चीज़ क्या डाल दी, उसमें हीट दे दी, तो ये काम क्या हो जाएगा, फटाफट ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाएगी। तो क्या हुआ, मिलार्ड रिएक्शन। इसी तरह से अब आपका क्या हुआ, कैरामलाइजेशन। कैरामलाइजेशन बिना हीट के हो सकता है, नहीं हो सकता है। मिलार्ड रिएक्शन हो सकती है, लेकिन क्या होगी, धीरे धीरे। मिलार्ड रिएक्शन कैसे होगी आपकी, धीरे धीरे होगी, हीट दे दोगे तो वही काम क्या हो जाएगा आपका, तेज हो जाएगा। कैरामलाइजेशन में हमेशा क्या चाहिए कि हीट क्या होगी, ज्यादा चाहिए होती है, बोलो। हाँ जी, देखो सब का प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कर देना है ना, फिर उसके बाद में आप मॉइस्चर कंटेंट बोल देना, प्रमोट कौन करेगा, हीट कर देगा, ठीक है। हाँ मॉइस्चर, मैंने भाई दुनिया में कोई भी, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन बिना पानी के नहीं हो सकती। मिलार्ड रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, तो बिना वाटर के संभव नहीं है, तो मॉइस्चर होगी आपकी बस। हाँ जी, अरे तुम समझो इस चीज़ को, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ 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 हो सकता है, रूम टेम्परेचर आ रहा होता ही है ना, ये तो होते हैं, अरे प्रोडक्ट में होते भी हैं, बड़ी बात नहीं है। आप पाउडर ला के खरीद के छोड़ लो, आप मिल्क पाउडर खरीद के लाओ, 4-5 महीने 6 महीने पटक दो, आपको ब्राउन मिल जाएगा, आपको कलर चेंज हो जाएगा उसका, होता ही है, तो जनरल चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है। फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होएगा जो उसके कंपाउंड बनेंगे। हाँ हाँ जी, अब बोला, अब आपको पूछा जाए एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हीट, तीसरा ऑप्शन मॉइस्चर, चौथा है नन। तो क्या रेस्पॉन्सिबल है आपका, ऑक्सीजन, कौन से एंजाइम के साथ, पीपीओ के साथ। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, बिड़ते ही पीपीओ दे रखा है, नीचे ऑक्सीजन दे रखा है, मॉइस्चर दे रखा है, तो अब तुम ऑक्सीजन टिक करके आ जाओ तो तुमसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है फिर, समझ रहे बात कि नहीं साहब पीपीओ करूँगा क्या टिक मैं तो ऑक्सीजन करूँगा साहब, तो फिर वो तुम साइंटिस्ट लेवल का काम कर रहे हो, तो उनको साइंटिस्ट तो चाहिए नहीं फिर, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए ध्यान रखना कि क्या चीज़ दे रखी है चार ऑप्शन में, क्योंकि वो परेशान करने के लिए ऐसे काम करते हैं, जो तुम्हें बोलते हैं ना कि दो दो ऑप्शन दिखते हैं, वो दो दो दिखाए जाते हैं वो तुम्हें, समझ रहे हो, तो वो ऐसे काम कर देते हैं कि पीपीओ के साथ नीचे क्या डाल दिया, ऑक्सीजन, अब आ जाओ तुम साहब, समझ रहे हो बात को, तो वो दिखाए जाते हैं तुम्हें, तो अपन तो कुछ ही नहीं है, क्या टिक करो, पीपीओ टिक करो फिर। हाँ जी, कैरामलाइजेशन हो गया आपका, शुगर और क्या बन गया आपका, कैरामल बन गया, सही बात है। क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर, हाँ जी,
टाइप ऑफ ड्राइंग, क्या बोलोगे? टाइप ऑफ ड्राइंग, सही बात है, सीधी सी बात है, हॉट एयर ड्राइंग, यही होगा आपका, हॉट एयर ड्राइंग हो गया। एयर क्या होगी? हाँ जी, क्या करोगे? एयर को कंटिन्यू क्या करते रहोगे आप? फ्लो करते रहोगे, सही बात है। तो अब कंटिन्यू एयर का फ्लो रहेगा तो वो आपका क्या करेगा, एयर उसको ड्राई करना शुरू कर देगा। अभी एक एक इंडिविजुअल देख लेंगे, सिर्फ नाम नाम ध्यान रखो। हाँ जी, माइक्रोवेव ड्राइंग, तरीके और कुछ ही नहीं है आपके। हाँ जी, फ्रीज ड्राइंग, क्या बोलोगे इसको? लायोफिलाइजेशन। अब देखो, FSSAI वाले तो हमेशा क्या करते हैं, अलग से सिलेबस में लिखते हैं, ये माइक्रोवेव भी लिखते हैं, आपका क्या लिखते हैं, फ्रीज ड्राइंग भी लिखते हैं, फ्रीज कॉन्सेंट्रेशन भी लिखते हैं, अपने यहाँ कहीं लिखा नहीं है। तो अब लिखा नहीं है तो फिर भी अपन यूँ मान के चलना कि आपको कोई माइक्रोवेव का क्वेश्चन पूछ ले, भाई यूज कर रहे हैं ना अपन, तो आपको पता होना चाहिए, बोलेगी कि बताइए माइक्रोवेव किस में कौन सी रेंज का यूज लिया जाता है, तो IR होती है आपकी, इंफ्रारेड। अब आप कह दोगे साहब की, यानी कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते कि जो चीज़ चल रही है आपकी फूड से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, ऑस्मोटिक ड्राइंग, तभी तो कहते हैं नहीं सिलेबस का क्या अंत नहीं है ये। हाँ जी, अब पढ़ने लगो तो आप माइक्रोवेव पढ़ लो 1 घंटे तक, सही बात है, तो अंत नहीं है कहीं भी। हाँ जी, ऑस्मोटिक ड्राइंग, सही बात है। कई बार क्या करते हैं, इस ऑस्मोटिक ड्राइंग को एक वर्ड दिया जाता है, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। हाँ जी, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, बराबर है, बढ़िया काम किया था। इसको बताने वाला कौन था? पॉन्टिंग, 1966 में, और ये इम्पोर्टेंट नाम भी है, पॉन्टिंग का इम्पोर्टेंट नाम है। बता देंगे रे, बता देंगे, तुम लोग माइक्रोवेव पढ़ा देंगे, ऐसे बात है, पढ़ा देंगे। हाँ जी, क्या करोगे? जैसे ये कोई भी हुआ आपका, सही है, क्या बोलोगे? ये कोई भी फूड प्रोडक्ट है, इस फूड प्रोडक्ट के अंदर क्या अवेलेबल है? वाटर। इस फूड प्रोडक्ट में क्या अवेलेबल है आपका? वाटर है, और पानी है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या मौजूद है? सोल्यूट। अरे ये तो समझते हो ना, सोल्यूट क्या होता है? विले। सोल्यूट क्या रहता है आपका? विले रहता है। अब आप चाहते हो कि इस फूड प्रोडक्ट में से क्या बाहर आ जाए? अरे क्या बाहर आ जाए? सॉल्यूट बाहर आ जाए, वाटर बाहर आ जाए? तो आप ये चाहते हो कि वाटर क्या आ जाए? बाहर आ जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक ड्राइंग या ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पर जब एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है इस पानी को बाहर निकालने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए क्या तैयार करा एक इन्होंने? सॉल्यूशन तैयार करा। इस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है आपका? 30% से लेके 50% तक का ये जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा? इस पानी को क्या करेगा? रिमूव करना शुरू कर देगा। वाटर को क्या करेगा? रिमूव करना शुरू कर देगा। तो 30% से 50% का जो सॉल्यूशन है, समझ रहे हो, यही क्या करेगा? रिमूवल ऑफ वाटर। और ये काम किसने कराया? पॉन्टिंग ने कराया। बस, हाँ जी, रिवर्स ऑस्मोसिस अलग चीज़ है, रिवर्स ऑस्मोसिस अलग चीज़ है। रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, बताएं, प्रेशर लगाना पड़ता है उसमें, वो तो नमक वगैरह बनाते हैं ना अपन। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा सॉल्यूशन? हाँ, हाइपरटोनिक हो गया ना ये। अरे इसमें से क्या निकालना है आपको? वाटर निकालना है,
तो ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा? हाइपर टॉनिक, तभी वाटर बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर यहाँ पर पानी ज़्यादा, अरे सोच के दे दो, पानी ज़्यादा कर दोगे तो पानी कहाँ चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। इधर पानी कम होगा तो इसका वाटर बाहर आ जाएगा, बात खत्म। सही बात है। अरे ये जो सॉल्यूशन होता है किसका बनाया जाता है? ऑस्मोटिक एजेंट। क्या होता है ऑस्मोटिक एजेंट का मतलब? या तो कोई सुक्रोज होगा या क्या होगा यहाँ पर, सैकेरोज। हाँ जी, सुक्रोज का बोले तो 25% और सैकेरोज बोले तो आपका 60%। येलो सा इन दो के केस में स्पेशल लिख दिया अपन ने। हाँ जी, ट्रेडिशनल ड्राइंग का मेथड कौन सा है? सन ड्राइंग। सबसे पुराना सन ड्राइंग ही है आपका। ऑस्मोटिक एजेंट का ही सॉल्यूशन बनाते हैं, ये जो बनाया है ना सॉल्यूशन, ये इन्हीं का बनाया है। हाँ जी, साल्ट वो फिर टेक्निक अलग हो जाएगी, ब्राइनिंग हो जाएगी फिर, वो ब्राइनिंग वो ऑस्मोटिक नहीं होगा। नुकसान क्या है इस टेक्निक का, नुकसान क्या है? हाँ जी, फायदा तो ये कि टेम्परेचर देना नहीं पड़ा। न्यूट्रिशनल लॉस हुआ क्या? हाँ जी, लेकिन हीट के कंपैरिजन में कम, समझ रहे हो? जहाँ हीट होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा? न्यूट्रिशनल लॉस होगा। हीट को छोड़ दो और अब बात पूछा जाए तो आपके क्या होंगे? न्यूट्रिशनल लॉस कम होंगे। जैसे हॉट एयर ड्राइंग क्या होगा? न्यूट्रिशनल लॉस होगा, है ना? न्यूट्रिशनल लॉस ज़्यादा होगा। और आपका ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है तो न्यूट्रिशनल लॉस क्या होगा आपका? कम होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हीट देनी नहीं पड़ रही है। अब इनमें सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रीज ड्राइंग, आएगा तब देखेंगे अभी। हाँ जी, सही है, तो बिल्कुल सही बात है। बताइए, हीट सेंसिटिव मेथड के लिए काम में लिए जाने वाली टेक्निक है, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए क्या काम में लोगे, है ना? ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन लोगे या फिर क्या लोगे? फ्रीज डिहाइड्रेशन लोगे। हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी कौन सी? हाँ जी, तो वो कौन सी हो गई आपकी? फ्रीज ड्राइंग होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक ही नुकसान है इसका, फूड इंडस्ट्री लेवल के लिए फ्रीज ड्राइंग मेथड एक बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। तो दवा, वैक्सीन, सीरा बनाते हो ना, अरे इंजेक्शन तो देखे ना, पाउडर आता है, वो इंजेक्शन का पाउडर क्या आता है? फ्रीज ड्राइंग, लाइव फ्लाई जाता है वो। तो वैक्सीन इंजेक्शन वहाँ तो चलते हैं ये, क्योंकि वहाँ कॉस्ट भी उसी हिसाब से होती है, तो लेकिन फिर भी ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अरे इतना धीरे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेगी पार भाई सिलेबस। हाँ जी, हाँ हाँ, बच्चों के इन्फेंट में इन्फेंट प्रोडक्ट, हाँ, कॉस्ट इसीलिए तो ज़्यादा होती है उनके। हाँ जी,
एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड ड्रायर। हाँ जी, सेलेक्टेड ड्रायर का मतलब मान लो यहाँ तक नहीं पूछे, अब जो बता रहे हैं ना उस हिस्से में सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। दुनिया भर के ड्रायर हैं जो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, लेकिन अपने को नहीं जाना, अपने को तीन या चार ड्रायर वो ध्यान रखने हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसके अलावा बाकी के कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। कुछ ही नहीं आपका, यूं मान लो ये जैसे आपका कोई ड्रायर हो गया और इसमें क्या करा आपने, एयर एंटर करवा दी यहाँ से। अगर किसी ड्रायर के अंदर नीचे की साइड से इसमें एयर एंटर कराई तो इसमें जितने भी मटर रखे थे, दालें रखी थी, मटर दालें क्या होगी, उड़ेगी। मटर दालें क्या होगी, यहाँ पर उड़ना शुरू होगी। तो अब क्या होगा, तो आपका जो भी मटर वगैरह है वो सारे के सारे क्या हो गए, यूनिफॉर्मली इस मटर को उठा के प्लेट में रख देते हैं और प्लेट में रख के कहते कि अब ड्राई हो जा। तो मटर पूरा ड्राई कैसे होगा, प्लेट में जहाँ पर टच है, समझ रहे हो बात को। तो ड्राई यूनिफॉर्मली नहीं होगा, यूनिफॉर्म ड्राई के लिए इसको क्या जरूरी है, उड़ना जरूरी है। तो फ्लूडाइट बेड का मतलब है कि ये उड़ेंगे, इसमें सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, उड़ते रहेंगे, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लूडाइज बेड ड्रायर बोलते हैं। और एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि फ्लूडाइज बेड ड्रायर किसके लिए काम में लिया जाता है। चलो क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, एक तो आपने क्या बोला, मटर, सही बात है। कौन सा फ्रूट होएगा, अरे कोई फ्रूट का नाम बताओ फ्लूडाइज बेड ड्रायर के लिए। हाँ जी, अंगूर उड़ाओगे इसमें। हाँ जी बोलो, क्या उड़ाओगे इसमें, अरे क्या उड़ाओगे, एग्रीकल्चर के इतने सारे रॉ मटेरियल में उड़ाओगे क्या, ग्रेन उड़ा दोगे, दाल उड़ा दोगे, सही बात है। कोई ग्रेन उड़ाया जा सकता है, मटर उड़ाए जा सकते हैं, और क्या उड़ा सकते हो आप, बीन्स, बीन्स भी क्या कर सकते हो आप इसके अंदर उड़ा सकते हो। और क्या उड़ा सकते हो भाई, हाँ जी आटा उड़ा सकते हो, आटा, हाँ आटा भी उड़ा सकते हो, फ्लोर, ठीक है। और क्या उड़ा सकते हैं, साल्ट और सुगर भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना टिक भी ऐसे ही करना है, पी, ग्रेन, बीन्स, फिर फ्लोर, फिर लास्ट में कहीं साल्ट और सुगर, ऐसे नहीं हो कि बिड़ते ही इनको ही टिक कर दो भाग के। हाँ ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट कौन से, ड्राइड फ्रूट, हाँ है ना, अभी लिखेंगे ना उनको भी। चलिए दूसरा आ गया रोलर ड्रम ड्रायर। अरे क्या बोलोगे, रोलर ड्रम ड्रायर, हाँ जी बताओ रोलर ड्रम ड्रायर कहाँ काम आएगा। हाँ जी, हाँ मिल्क पाउडर और बेबी सीरियल्स, क्या करोगे, बेबी सीरियल्स और रोलर, तो समझ रहे हो ना। ये आपका प्रोडक्ट रखा है, मान लो ये प्रोडक्ट रखा है इसके अंदर, और इसमें क्या चला देंगे, एक रोलर चलाते रहेंगे इसके अंदर, अंदर क्या चलता रहेगा, एक कंटिन्यूअसली एक रोलर चलता रहेगा, और वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, ड्राई करता रहेगा, प्यूरी, बढ़िया तरीका ना, फ्रूट जूस की प्यूरी है, उसको भी कर सकते हैं अपन ड्राई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बता रहे हैं, अभी आ रहा है, बता रहा हूँ। हाँ जी प्यूरी, क्या बोलोगे, सही बात है, क्या बोलोगे, प्यूरी जूस, बढ़िया तरीका है ना, जूस भर के रख दो, ड्रम चलता रहेगा धीरे धीरे, वो भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट। भाई जूस और प्यूरी का मतलब क्या है, कंसंट्रेट करना है आपका, येलो सा। हाँ जी चलिए, तीसरा स्प्रे
ड्रायर, क्या बोलोगे यहाँ पर? स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बताओ? यहाँ पर एक नोजल लगा दें और उस नोजल में से क्या भेजे यहाँ पर, क्या करें इस रूम के अंदर पूरा प्रोडक्ट डालना शुरू कर, और ये क्या है गर्म है पूरा का पूरा, हीट दे रखी है इसमें, तो स्प्रे ड्रायर हो गया। तो ऐसा कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर कलर फ्लेवर का लॉसेज नहीं हो, कलर फ्लेवर का लॉसेज नहीं हो, क्योंकि बाकी के अंदर क्या हो सकता है आपका कलर फ्लेवर का लॉस हो सकता है। उस कलर फ्लेवर के लॉस को कम करें अपन, उसके लिए बढ़िया तरीका क्या रहता है आपका? स्प्रे ड्रायर, कॉफ़ी, टी, चाय। हाँ जी सही है ना, कॉफ़ी, टी और मिल्क बेस बेबी फूड। हाँ जी मिल्क बेस बेबी फूड हो गया। येलो साहब बेबी प्रोडक्ट आते हैं ना मार्केट के अंदर, देखे नहीं क्या? हाँ जी फॉर्म मैट, क्या हुआ इसका मतलब? फॉर्म मैट का मतलब वही आपका फ्रूट जूस प्यूरी, फ्रूट जूस प्यूरी, क्या बोला जाएगा? फ्रूट जूस प्योरी, सही बात है। क्या मतलब हुआ इसका समझ में? फॉर्म मैट का मतलब, अरे फॉर्म मैट का मतलब कि जैसे आपने फ्रूट जूस ले लिया, समझ रहे हो बात? अब फ्रूट जूस को आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर एक ट्रे ले लूँ, ट्रे के अंदर फ्रूट जूस डाल दिया, और अब सोचे कि इसको थोड़ा थोड़ा हीट देते रहे तो ये फ्रूट जूस क्या हो जाए आपका? ड्राई हो जाए। आप सोच रहे हो कि फ्रूट जूस को मैंने क्या कर दिया, रोलर ड्रम के अंदर भर लिया और ड्रम को चलाता रहूँ तो भी वो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाए। लेकिन अभी भी दिक्कत क्या है कि जूस वगैरह ये प्यूरी ये सब क्या होते हैं? कॉन्सनट्रेट होते हैं। कैसे होते हैं? ऑलरेडी कंसनट्रेट होते हैं, तो इंटरनल हीटिंग, इंटरनल ड्राइंग करने में अभी भी क्या आती है? दिक्कत आती है। तो उन सब के उसमें क्या बना देते हैं? झाग बना देते हैं अपन। क्या बना देते हैं उसमें? फॉर्म, कुछ फॉर्मिंग एजेंट डाले जाते हैं, और फॉर्मिंग एजेंट डालने के बाद में जूस प्यूरी क्या हो जाएंगे आपके? पफी हो जाएंगे। अब इसमें इंटरनल हीटिंग कराना क्या हो जाएगा आपका? आसान हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉर्म मैट बोलते हैं। तो इसमें क्या काम में लेते हैं? फॉर्मिंग एजेंट काम में लेते हैं। तो अब ध्यान रह जाएगा, झाग से ध्यान रह जाएगा अब अपने को। हाँ जी अब फ्रूट जूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फ्रूट जूस के क्या कर दिए आपने? स्लाइस कर दिए। इनमें से कौन सा मेथड? अरे फ्रूट जू फ्रूट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, स्लाइस कर दिए। हाँ तो इनमें से कौन सा मेथड? हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। अरे टुकड़े किए, स्लाइस तो समझते हो ना, स्लाइस कर दिए फ्रूट या वेजिटेबल के, क्या कर दिए? स्लाइस कर दिए। तो इनमें से कौन सा मेथड है ड्राइंग का? हाँ हाँ गजब करते हो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रूट जो फ्रूट के स्लाइस कर दिए, वेजिटेबल के स्लाइस कर दिए और उसको ड्राई करना है। हाँ जी बोलिए। तो अब ध्यान रखना काम की बात, पहली बात तो ये कि ऐसी जब चीज़ आती है तो आपको चार ऑप्शन हमेशा देखने रहते हैं, चार ऑप्शन को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है, समझ रहे हो? अब जब काटते काटते चलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे के सारे तरीके तो सही नहीं हो सकते। यहाँ पर कोई टनल हो सकता है, कोई ट्रे हो सकती है, कोई बेल्ट हो सकता है। मैं ये चीज़ें नहीं लिखवाऊँगा आपको, बता रहा हूँ आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा। मैं सिर्फ ऑप्शन काटने का तरीका बता रहा हूँ, मतलब इनको भी टिक करने से पहले ऑप्शन कैसे काटोगे वो तरीका बता रहा हूँ। तो इतना तो आपको दिमाग में स्लाइस आ गई,
तो स्लाइस के केस में आप क्या करोगी कि यहाँ पर लिखा क्या अपन ने कहीं भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं लिखा ना अपन ने, तो इसका मतलब ना तो पूरा का पूरा फ्रूट है ना कोई यहाँ पर उसका स्लाइस है, समझ रहे हो। तो उसकी टेक्नोलॉजी जो भी होगी कम से कम ये चार तो नहीं होगी, कम से कम ये चार तो नहीं होगी। चलो साहब एक क्वेश्चन निपट गया, अब देना जवाब। मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर के लिए बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है यहाँ पर? हाँ जी, अब भाई फ्रीज ड्राइंग जैसे कुछ आ गए तो उनके आगे तो सब बेकार है। अरे मैंने कहा जब फ्रीज ड्राइंग ही आ गया तो उसके आगे तो सब क्या हो गया आपके? बेकार है, वो तो सबसे बढ़ के। अब इनमें से कुछ आ गया तब क्या करोगे आप? हाँ जी, स्प्रे हो गया और रोलर भी हो गया, तो कौन सा टिक करोगे? स्प्रे ड्रायर करोगे साहब आप, समझ रहे हो। स्प्रे ड्राई क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म ड्राइंग होगी आपकी, रोलर में यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं हो सकते, तो इतना सा तो दिमाग लगा सकते हो। चलिए कॉफ़ी और टी के लिए स्प्रे ही होगा साहब, ये नहीं हो सकता साहब, क्योंकि इसमें तो क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आओगे आप, हीट के ड्रम चलेगा तो डायरेक्ट हीट के कॉन्टैक्ट में हो आप। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे 10-20 नाम लिखाऊँ फिर उनको आप 2 महीने तक पढ़ते रहो, तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप ये 4-5 ध्यान रख लेना, इतने में आपका क्वेश्चन टिक हो जाएगा। चलिए जवाब देना इसी। अब आपको ये बता दे, हाँ जी बोलो। हाँ अरे रोलर चलेगा कैसे स्लाइसों के अंदर? हाँ वो सही है बात है, अंदर डाला जाता है जो भी आपका ड्रम हुआ, जैसे ये है इसमें ये डाला आपने, सही बात है, रोलर ड्रम के अंदर। तो इससे पहले जो दूसरा नाम आता है रोटरी, समझ रहे हो, करते तो ये है, मैंने तो वो नाम हट भाई यहाँ पर क्या है कि इन सब के अंदर फ्रूट वेजिटेबल नाम भी लिखा हुआ है, मैंने हटा दिए वो नाम, यहाँ पर फ्रूट के भी लिखे हुए हैं वेजिटेबल भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं पूछी जाएगी उसको नहीं लिखा अपन ने। इसके साथ में वेजिटेबल भी लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ना आपका रोलर ड्रम, इसके साथ में एक एग्जाम्पल किसका आता है यहाँ पर? वेजिटेबल भी आता है, लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से, क्योंकि वेजिटेबल अगर पूछना है तो वो टनल करवाएगा या आपसे ट्रे टिक करवाएगा या बेल टिक करवाएगा, इसलिए उसको मैंने हटा ही दिया। अगर उसको रोलर पूछना है तो वो फिर क्या टिक करवाएगा? इन्हीं में से टिक करवाएगा, समझ। ऐसी चीज़ नहीं पूछेगा जिसके मेथड ही 5-6 तरीके के दे रखे हैं, तक फिर उसको ऑप्शन बनाने में दिक्कत आएगी। हाँ जी, हाँ ठीक है, यही था मिल्क पाउडर का था एक, तो ये ध्यान रखना है आपको बस, और कुछ ही नहीं है इसमें। हाँ जी, अब जैसे आपको पूछा एग एक्सट्रैक्ट करना है, एग एक्सट्रैक्ट पाउडर, ईस्ट एक्सट्रैक्ट पाउडर, अब हाँ जी बोलिए। तो अब ध्यान रखना, अगर एग एक्सट्रैक्ट पाउडर, ईस्ट एक्सट्रैक्ट पाउडर क्या है, ये सारे के सारे सब न्यूट्रिशनल सेंसिटिव है, समझ रहे बात को, तो डायरेक्ट हीट के टच में तो आना ही नहीं है। स्प्रे ड्रायर मेथड क्या रहता है आपका? सही रहता है, तो आप लिखना चाहो ईस्ट एक्सट्रैक्ट। अब ये इसलिए करवा रहे हैं ये चीज़ें कि आप बुक्स के क्वेश्चन करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, एग एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक है इसमें से फ्रूट वेजिटेबल अपन किसी का ही नहीं लिखवा रहे। लिखा हाँ जी, चलो जवाब देना। स्टार्च पाउडर,
ड्राइंग होगी, हाँ जी स्टार्च पाउडर की ड्राइंग होगी, रोलर ड्रायर, ट्रे ड्रायर, न्यूमेटिक या फ्लैश ड्रायर, फ्रिज कॉन्सेंट्रेशन, हाँ जी बोलो बोलो, हाँ जी देखो पहली बात तो अपन ने पढ़ाया नहीं है ना, लेकिन इतना पढ़ लिया कि इसको टिक कर सके अपन ने, है ना। तो आपको रोलर ट्रे तो नहीं है आपके, समझ रहे बात को, फ्रिज का मतलब ही नहीं है ये, तो किस में चलता, फ्रूट जूस पल्प में ही चलेगा, अदरवाइज चलेगा ही नहीं आपका, कहीं नहीं चलेगा ये, बचा क्या आपका, है ना। तो इसको अगर कुछ ऐसा टकरा है तो इसको करने का तरीका यही रखना, डायरेक्ट कोशिश मत करना कि क्या आ गया, डायरेक्ट याद करके टिक कर दो, लिखो हाँ। वो वाले भी आते हैं इस तरह के भी कि सबसे बड़ा ऑप्शन दे रखा है ना, सबसे बड़ा और पल्ले नहीं पड़ रहा, ऊपर क्या दे रखा है, तब होती है वो, लेकिन उसके लिए शर्त होती है क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखना, नीचे वाला बड़ा ऑप्शन तभी आंसर जाता है जब ऊपर वाला पल्ले नहीं पड़ रहा है, अगर ऊपर वाला पल्ले पड़ रहा है तो ये रिस्क भी मत ले लेना। हाँ ये नियम होते ही है एग्जाम में टिक होने के, ऐसे क्वेश्चनों को टिक करने के, हाँ जी ठीक है। हाँ जी अगला क्वेश्चन, नोवल ड्राइंग टेक्नोलॉजी, हाँ जी नोवल ड्राइंग टेक्नोलॉजी, हाँ जी चलिए जवाब देना, नोवल ड्राइंग टेक्नोलॉजी नहीं है, चलो ये जवाब दो आप, कौन सा नोवल ड्राइंग टेक्नोलॉजी नहीं है, पहला माइक्रोवेव ड्राइंग, सही बात है, दूसरा क्या हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्राइंग, तीसरा ऑप्शन ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, चौथा नन, जी चलो एक ऑप्शन और बना देते हैं यहाँ पर, फ्रिज ड्राइंग और ई नन, बोलो क्या करें, हाँ जी क्वेश्चन का मतलब क्या है आप बताओ, क्या है मतलब बताओ बताओ क्या मतलब है इसका, हाँ नोवल ड्राइंग टेक्नोलॉजी नहीं है तो नहीं है, वो पूछा आपका, नोवल का मतलब नए तरीके से ड्राइंग, कौन से नहीं है, नए तरीके, कुछ पुराने तरीके कुछ नए तरीके, अब तुम अब तक बेल्ट चला रहे हो, ड्रम चला रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, तो ये कोई नए जैसे भी नहीं है, नए तरीके नहीं है सारे, हाँ जी तो ध्यान रखना ये सारे के सारे तरीके कौन से हैं, नोवल ड्राइंग टेक्नोलॉजी के हैं, समझ रहे बात को, अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पर नन हटाते और ये हटा देते तो आपका आंसर भी आप बहुत इजीली बता देते, ऑल यही कहते हैं ना भाई, नन हटा देते और नहीं हटा देते तो आप क्या कह देते, ऑल कर देते, तो बस तो फिर आपको इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है, नन है, सारे के सारे क्या है, नोवल टेक्नोलॉजी है ये, अरे 1966 की बात है, बहुत पुराने बात नहीं है, और जो आप वो पढ़ रहे हो ना वो बहुत पुराने बात है, राजा महाराजाओं के जमाने की बात है वो, हाँ जी
अरे घरों के अंदर अपन भी क्या करते थे, जब अनाज वगैरह होता था ना बारिश के अंदर सीम जाते थे तो धूप में खड़े होके क्या ऐसे वो छाजला लेके खड़े हो जाते थे, समझ रहे बात को। और दिल्ली का काम यही चलता था, वो भी क्या था, ड्राइंग था एक। और उसका फ़ायदा क्या था, वो भी हट जाता, कचरा भी हटता और नमी भी हटती बस। तो फिर काम करोगे तब पता चलेगा। हाँ जी, अभी थोड़ी देर में 5 मिनट बाद वापस क्लास देखते हैं ना। हाँ जी बोलो। हाँ 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 कब से करते आ रहे हैं माइक्रोवेव का यूज अपन। हाँ तो अरे मैं कह रहा हूँ कितने सालों से करते आ रहे हैं यूज में, अभी भी मैक्सिमम घरों में नहीं है, अभी भी मैक्सिमम घरों में नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं 5 मिनट बाद वापस।